ये देखा, ये अभी तक नहीं उठी है यार, ये कितनी बुरी लड़की है। उठो राबिया। रमजान आया, रोजा रखो जी। फातिमा ने नियत की, वो देखे उसकी तो तस्वीर। बच्चों दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी, पापा जी इफ्तारी की है। Assalamualaikum everyone, welcome to Sistrology. सबको मेरी तरफ से और मेरी बहनों की तरफ से रमजान मुबारक। और जैसे कि आपको पता है कि बरकतों वाला महीना शुरू हो चुका है, तो रूटीन भी थोड़ी सी शफल हो गई है आज के महीने में। मतलब ये जो महीना स्टार्ट हो गया, इसमें सारे शैतान बंद होंगे। पता नहीं हमारे घर इस वक्त कौन बंद होने वाला, क्योंकि हमारे घर भी काफी सारे शैतान रहते हैं। तो सबको रमजान मुबारक। और सहरी के लिए हम तो खुशी से सोए ही नहीं है। मैं तो नहीं सोई, मैं अपना बता रही हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं सोई। मैं तो तैयार हो रही थी कि सहरी है, तो बड़ा प्रॉपर तरीके से आपको यू ना आपने नमाज पढ़नी, कुरान पढ़ना, सब कुछ करना, तो यू शुड बी फ्रेश। क्या बनाने वाली हैं आज आप? मैं आज आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ चूरी। ओहो, मियाँ मिठू चूरी खाने वाली? नहीं, रोजे वाली चूरी। वो कैसी होती है? वो बचपन से लेके आज तक हमारी मम्मा हर रमजान में हमें सिर्फ चूरी देती हैं। अब वो चूरी हम लोग कैसे बनाते हैं ये हम आपको बताएंगे। वो मियाँ मिठू वाली चूरी नहीं, वो हमारी कुछ तो चूरी इसमें क्या? बहुत ज्यादा घी डलता है, बहुत ज्यादा घी। आप चाहती हैं आपकी बच्चियां मोटी हो जाएं? तो इसका चूरी का पहला प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप लोगों ने पेड़ा करना है, उसके बाद आपने बनाना है पराठा। चूरी के लिए बहुत मोटी रोटी बनानी है, पतली नहीं बनानी। मोटी क्यों? मतलब मोटी रोटी तो वैसे यू नो काफी सख्त हो जाती है, तोड़ना होता है ना, खाना थोड़ी होता है वो। फिर चूरी बड़ी नरम बनती है। अच्छा, नरम चूरी के लिए मोटी रोटी बनाए। मोटी रोटी है, देखे मम्मा मेरी फुट 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 फुट। ज्यादा पतली नहीं करनी। चार रोटियां बनाऊंगी ना तो फिर सबने खाना है, सबको आज चूरी ही मिलने वाली है। और ये मुझे लगता है कि वैसे ही मिलने वाली है। रोजा रखना है? मामा तो कह रही थी नहीं रखना। लगना है, उठ गया था आपके बात सुनके। चला, जब मैं उठाने आई थी तब रमजान आया, रोजा रखो जी। पहले सुनाओ मुझे, रमजान नींद आ रही है? जल्दी सो गई थी ना। चलो आओ अब किचन में। अच्छा, चल जाओ बैठो आप, आ रही चलो जल्दी चलो। या अल्लाह, ये अम्मियां अपने छोटे बच्चों के साथ पता नहीं क्यों इतना फेवरेटिज्म करती है। मतलब बड़े बच्चों को तो पता नहीं इन्होंने उठाया होता है। वो देखे जरा, वो देखे आप ही बदतमीज। बनानी है चूरी के लिए रोटी सूखी बनानी, मोटी मोटी सूखी, जैसी रोटियां हम लोग कहते हैं ना, जो खराब रोटियां बनती हैं उनकी चूरी बनाना। अच्छा, अब इनको तोड़ना है, चूरी के अंदर हम लोग बर्तन वगैरह लगाओ, ठीक है ना? चलो शाबाश, अच्छी बच्ची है ना, तो बड़े काम। अच्छा, ऑयल लगा देना इसके साथ। अब इसमें ज्यादा सारा डालना है ऐसे, देखते। अच्छा जी, तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं चिल्टन प्योर का देसी घी हमारी चूरी में, ठीक है? बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा होता है। मेरी क्योंकि गाय का, मेरी मम्मा ने वो देखे डिब्बों की कितनी ढेरी लगाई हुई है, जब खत्म होता है यही बनता है। इतना डाल के, हाँ, इसको ऐसे ऐसे तोड़े अच्छी तरह। अच्छा, रोटी इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि ये इस वक्त घी पी रही है, और ये वो नरम गजा वो चीज बन जाएगी। आपको पता है कि पुराने वक्तों में लोग कितनी सिखाएंगे, पेट भर जाएगा, ज्यादा खाई भी नहीं जाएगा। कितनी सिखाएंगे? अच्छे, चलाक मॉम ने फटाफट। चले अब इसमें, चल इकर आगे तुम बनाओ इसको, दबाओ मेरे हाथ खा के। अच्छा जी, इसमें डाले शक्कर। अच्छा, शक्कर भी डालनी है, क्योंकि शक्कर जो है ना वो सेहत के लिए काफी अच्छी होती है, चीनी से ज्यादा अच्छी होती है। शक्कर में भी ग्लूकोज होता है, जो हमारी बॉडी को ताजन रखता है। अच्छा, चूरी का मकसद ये होता है कि ये चूरी जो है ना वो आपका रोजा बड़ा अच्छा मेंटेन रखती है। ये दबाने वाला काम तुम नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अंदर नहीं बोले। मेरी मामा मुझे कह रही है किक हो जो यहाँ से। सारा घी इसने चूस ली है, अभी भी चाहे इसमें आधा किलो घी और डाल दो, वो चूस लेगी। हाँ जी ओके। एक हाँ, अच्छा ठीक है। वाओ, सो यू गाइस कैन सी आवर चूरी कितनी मजे की है। ये मुंह में डालो, खुद ही अंदर जाएगी।
इतनी नरम, बहुत मजे की है। ये पापा यहीं बैठे हुए थे कब से, और ये भी हमारी तरह रात को सोए नहीं है, लेकिन इनको फुल इस वक्त नींद आई हुई है, पहला रोजा है। आपने क्या खाना है? आप तो बचपन से ही, मतलब हमारे बचपन से ही चूरी खाते आ रहे हैं। आज हमारे घर में चूरी चूरी हुई है। जो कि मैं छोटा होता था तो मुझे मेरी फूफो जो है ना, तो मुझे चूरी बना के देती थी, तो चूरी के साथ में मैं बाद में देसी की चूरी और साथ में बाद में दूध, अच्छा ये मेरा सहरी होती थी और हमेशा ही मेरी ये रही है। मस्जिद में जब इतकाफ के लिए जाते थे तो इतकाफ होता था, पापा बहुत दफा इतकाफ बैठे हैं, इतकाफ में वो मुझे भेजते थे चूरी चूरी, और उससे पूरा दिन पुत्र पर चूरी चंगी लग रही है। मेरा पुत्र तो है ही तोता है, चूरी खजूरों वाली। ये देखे ना, वो यही लगा रही है। गुड गर्ल, आज रोजा रखना है ना उसने, इसलिए अच्छी बची बनी। सोना जल्दी है इसलिए जल्दी। हाँ हाँ जी, हमारा इस वक्त खाना जो है ना वो लगना शुरू हो गया, मम्मा ने सारा, बाकी बच्चे अभी तक। अरे घर में एक सबसे सुस्त औरत है और वो है इस वक्त राबिया फैसल। ये देखा, ये अभी तक नहीं उठी है यार, ये कितनी बुरी लड़की है। उठो राबिया, रमजान आया, रोजा रखो जी, अब उठोगी? यार मैं उठती हूं, इस गाने को कंप्लीट हो, 5 मिनट उठो यार। मैं नहीं कर, मैं ऐसे भी रख लेती होती हूँ रोजा। ये अठ पैरा रोजा, पहला रोजा में कोई नहीं राबिया, उठो तुमने सुबह। हाँ जी उठा, उठो, पापा बोलेंगे तुम्हें, पता नहीं है फिर डांट पड़ेगी। रमजान आया, रोजा रखो जी, नेकी से तुम प्लेट भरो जी, खाने से तुम पेट भर। सुबह सुबह किसी का दिल नहीं चाहता, सुबह सुबह किसी का दिल नहीं चाहता, तुम कहाँ जा रही हो? मशरूम। चलें जी, हमारे यहाँ पे जो है ना वो सहरी लग चुकी है, सब लोग अपनी अपनी मनपसंद चूरी खा रहे हैं, और अब मेरी भी बारी है, जैनब भी है, फातिमा भी उठ चुकी है, फातिमा के आगे भी प्लेट नहीं लगी, और ये औरत जो है ना वो इस वक्त अच्छी तरह सुकून से खाते हुए। गुड, ये देखो ना, ये लड़की ने सबसे ज्यादा हमें तंग किया है, ये जो लस्सी शस्सी पी रही है, और मम्मा ने सुकना दिया है, पापा भी इस वक्त खा रहे हैं। हाँ दूध है, मुझे लगा लस्सी है। नींद आती है, नींद लेट से तुम्हारा मुंह सूझा हुआ, मुझे क्यों लग रहा है। चलो सब अब चाय बन रही है, लेकिन मम्मा ने मुझे भी डाल दो यार, टाइम खत्म होने वाला है। ये लस्सी नहीं है, ये दूध है, दूध से आपको प्यास नहीं है। ये लो मेरी चूरी, मेरी चूरी। पापा को भी नींद आ रही है फुल, लेकिन हम अजान से पहले सो नहीं सकते। पानी पानी लेके आओ ज़ैनब, चलो शाबाश, माय डिलीशियस चूरी। अजान के बाद और नमाज के बाद सोना है। मैं इसके अंदर ही खा रही हूँ। आप इस वक्त फुल चलाक अम्मी लग रही हैं, क्योंकि आप लगी हुई हैं फुल है। की सबसे स्पेशल बात यह है कि मेरे पापा जो है ना वो हर सहरी और इफ्तारी में जो है ना वो दुआ करवाते हैं, ठीक है, जो पढ़वाते हैं सब बच्चों को, और ये जो है ना वो फरार हो गई थी कुछ खाने की, अच्छा दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा इन्नी, पापा जी इफ्तारी की है। पहले रोजा खोलो यार, मतलब रखने की क्या जरूरत है, खोलो। बाबी सौमी गदिन नवई तो मिनशारी रमजान। आप नियत करती हैं हीरा रोजे की? दिल से नियत की पापा ने? नियत की है, फातिमा ने नियत की, वो देखे उसकी तो तस्वीर। फातिमा आपको पता है, फातिमा पिछली बार इतकाफ पे भी बैठी थी, पिछली से हाँ, और क्या मिला? मांगा था, मिला भी था। हाँ ये हमारा मांगा था, मिला आपको क्या क्या मांगा? वो आपको नहीं बताएगी किसने क्या मांगा था, ये उसके अंदर की। तो कॉलेज में तो चली तो गई थी, और क्या मांगा था सबको हमें पता है, मोबाइल मांगा था। उस वक्त ये छोटी थी इसलिए मोबाइल अलाउ नहीं थी। और एक और चीज मांगी थी, वो नहीं बता सकती। वो मिल भी गई थी, मिल गई थी ना, और अब छोड़ भी दी।
या अल्लाह हमारे घर में ना ये हमारा रमजान भी इसी तरह से खुशी खुशी गुजरता है। ये बड़ा प्यारा महीना होता है तो इसमें हमें खुश रहना चाहिए, दुआएं करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। समझ रहे हो क्या समझा रही हो? चलो सब उठे उठे नमाज पढ़े, पापा जो है ना इस वक्त सबको उठा रहे हैं। अब हम लादी टाइम नमाज पढ़ने चले जी, सब उठो। तुम नमाज पढ़े बगैर ना सोचना तुम्हारी नीयत में, तुम्हारी नीयत में समझ आ रही तुम? नहीं नहीं वो पढ़ेगी मेरे साथ पढ़ेगी, तो पढ़ भी नहीं है नमाज। झूठ बोल रही है मम्मा, ये वो रोजेदार है जो नमाज नमूज कोई नहीं पढ़ती, सिर्फ खाली भूखी रह के सो जाती है। कुछ लेना अल्लाह से, अब मैं टाइम को ढूंढूंगी। आपकी जो नमाज पढ़ ली है अब सोने लगी है, मैंने भी पढ़ लिया, मैं सोने जा रही हूं। मैं भी सोने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है अब तो मेरी बस नहीं। मगर एक मिनट, मैंने आज के दिन अहद किया है कि 30 रोजों में 30 सुबह खत्म करूंगी, मतलब के पूरा कुरान पाक खत्म करने का। और मेरे लिए क्या दुआ मांग रही हो फिर? मेरी हर दुआ कबूल हो, अल्लाह बड़ी मेहनत, दुआ कबूल हो, मेरे सारे फैंस की हर दुआ कबूल हो, एस्ट्रोलॉजी जो जो लोग देखते हैं उनकी सारी दुआएं कबूल हो सबके में। और अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मांगे जितना आप लोग मांग सकते हैं, बहुत मांगे, आप लोग भी मांग लें, क्योंकि अब मुझे मैं कुरान पाक पढ़ के फिर मैं सो जाऊंगी इंशाल्लाह। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों को जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए गिव अवेज लेकर आऊंगी, और रमजान के इस बाबरकत महीने में मैं अपने गिव अवे का स्टार्ट करूंगी। इसमें आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, और एस्ट्रोलॉजी को तो लाजमी फॉलो किया हो, और फॉलो करने के बाद आपने उसके स्क्रीनशॉट बना लेने हैं और उसको पिक्चर को कंपाइल करके कोलाज बना के आपने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, ताकि हम लोग वहाँ पे चेक कर सकें कि किस किसने वाकई में फॉलो किया हुआ है। अब मेरी टीम उनमें से 2 विनर सेलेक्ट करेंगे जिनको दिए जाएंगे 5,000 के कैश प्राइज। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ये जो गिव अवे है ये 10th of April को खत्म हो जाएगा, लाइक 10th of April को हम विनर अनाउंस कर देंगे। देखते हैं कि कौन लकी विनर्स होंगे जो इस कॉन्टेस्ट में जीतने वाले हैं। स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी, और इसी तरह से प्यार करते रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।